हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड की काउंसलिंग कल से स्टार्ट है। जी हां, आपको पता होगा सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है 11 जुलाई से स्टार्ट है। आज मेरिट लिस्ट आनी है, मेरिट लिस्ट देख लेते हैं आ गई है कि नहीं आ गई है। मेरिट लिस्ट को पहले आपको जान लेना पड़ेगा सीट्स कहाँ कहाँ खाली है। तो बहुत कम सीट्स खाली है। अगर ऑन एवरेज से एक कॉलेज में देखा जाए, अगर पाँच छः सीट्स खाली है तो लगभग आपको 130-134 सीट खाली मिल जाएगी। जो है इतने के अप्रॉक्स सीटें खाली हैं। तो ध्यान रखें, सभी कॉलेज हमारे हिसाब से भर देंगे। अगर आपके नंबर 140 प्लस भी हैं तो सभी कॉलेज को भर देंगे। रीज़न है इस बार ज़्यादा रैंक जाने का। रीज़न आपको पता होगा कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बीच में ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक एक रैंक पे जो 150 का डिफरेंस है, 153 रैंक पे 150 कैंडिडेट हैं। तो 153 रैंक पे जब 150 कैंडिडेट हैं तो समस्या यही है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो सभी कॉलेज फिल कर दिए थे गवर्नमेंट, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, मतलब उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। बाकी जो लोग नहीं किए हुए थे, ये सोच रहे थे कि चलो ठीक है फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा तो सेकंड राउंड में और कॉलेज की संख्या बढ़ा देंगे, ऐसा सभी करते हैं, ऐसा ही होता है। और फर्स्ट राउंड में सारी सीटें नहीं भरी जाती हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने ये काम कर दिया, फर्स्ट राउंड में ही मैक्सिमम सीटें भर दी। 90% सीटें क्या 95% सीटें फर्स्ट राउंड में ही गवर्नमेंट कॉलेज का इन्होंने भर दिया। और शायद ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से। काउंसलिंग वगैरह का भी रूल्स रेगुलेशन होता है कि पहले काउंसलिंग में आप जो है लगभग 75% सीटें भरिए, 70-75% सीटें भरिए, इसके बाद जो है सेकंड राउंड में और सीटें भरिए, फिर मापअप राउंड में। ऐसे तो मापअप राउंड में सीट ही नहीं बचेगी, क्योंकि अगर सारे कैंडिडेट आपको वैरायटी के मिल जा रहे हैं, मतलब वो कैंडिडेट पीएच भी है और एससी वाला भी कैंडिडेट मिल जा रहा है, एसटी वाला भी कैंडिडेट मिल जा रहा है, फ्रीडम फाइटर वाला भी कैंडिडेट मिल जा रहा है, और ये सारे कैंडिडेट अगर अवेलेबल हैं फर्स्ट राउंड में ही, तो फर्स्ट राउंड में ही ये पूरी सीट उठा दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हो जा रही। तो फर्स्ट राउंड में सीटें फुल हो गई जो है, और जहाँ तक बताया जा रहा है कि जहाँ तक स्टूडेंट से ही पता चल रहा है, एसएन कॉलेज में भी अभी कोई स्टूडेंट कमेंट किया हुआ था, इसके बाद यहाँ का तो हमको पता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जहाँ पे हम हैं, इसके बाद फिर आजमगढ़ वाला, फिर एसएन मेडिकल कॉलेज मेरठ का, मैक्सिमम जगह यही बता रहे हैं कि अगर 60 सीटें हैं तो 7-8 सीट खाली है, अगर 40 सीटें हैं तो वहाँ पर भी लगभग जो है इस प्रकार 6-7 सीट खाली है। तो ध्यान रखेंगे, इस बार सेकंड राउंड में सीटों को भर देंगे। और प्राइवेट कॉलेज वही चूज़ करिए, प्राइवेट कॉलेज बहुत से स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि हमारे नंबर 50 हैं, 53 है, 70 है, प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ एंट्रेंस देना इम्पॉर्टेंट है, क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई इसकी कोई समस्या नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में ऐसा स्थिति लास्ट में अभी आएगा, अभी तो सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा, मापअप राउंड होगा, आप देखेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन होगा। डायरेक्ट मतलब सिर्फ आप अटल बिहारी का एंट्रेंस दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट जाके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा 2021 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ, इस साल भी वैसा ही कुछ होगा। तो डायरेक्ट आप जाके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमारे 50 नंबर हैं, 40 नंबर हमारे, हमको प्राइवेट कॉलेज भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे जीएनएम की डेट क्लोज हो गई, पहले बता रहे थे जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाएगा, पहले पूरा नोटिस वगैरह जारी कर दिए, फॉर्म भी फिलअप करवाना स्टार्ट कर दिए, और फिर अभी 2-3 दिन पहले बता रहे हैं जीएनएम जैसे ही पिछले साल एडमिशन हुआ था इस साल भी वैसे होगा, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं काउंसलिंग करवा रहे हैं, ध्यान दें, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है नर्सिंग की, इस बार एडमिशन नहीं हुआ अगले साल नहीं होगा, और आनन फानन में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें। प्राइवेट कॉलेज में देखिए उसी कंडीशन में एडमिशन लीजिए जब आपके नंबर ज़रूरत से ज़्यादा कम हैं, मतलब आपके नंबर 60-70 नंबर हैं, तब आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। अगर आपके नंबर 130 नंबर हैं, 125 नंबर हैं, 120 नंबर हैं, तो आपको सिर्फ 20 नंबर और लाना है, मतलब 20 क्वेश्चन और सही करना है और एक साल में सही हो जाएगा। आपका फोकस हमारे हिसाब से कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं होना चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम का फोकस आपका जो है, जो आपका सिलेबस 11th-12th का है, नीट का सिलेबस, आप नीट का तो तैयारी वगैरह कर ही रहे होंगे, उस पर होना चाहिए। तमाम प्रकार के फिजिक्स वाला वगैरह हैं जो सस्ते में प्रोवाइड करते हैं, और अगर किसी का भी नहीं लेना, यूट्यूब पे भी पहले से लेक्चर्स पड़े हुए हैं, कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन आया है, यूट्यूब पे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे।
तो उस चीज़ों पर फोकस करिए। और इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड हमें बार बार फोकस किया है, इन सब चीज़ों पे फोकस करने वाले सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश तो आपको नॉर्मल आती ही आती है, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट होगा, बता रहे हूँ, नीट की जो फ्रेंड है तैयारी कर रहा था, तो नीट की तैयारी कर रहा है 7 साल से 8 साल से, तो ऐसा तो है नहीं उसने इंग्लिश पढ़ा हुआ कुछ पढ़ा हुआ है, तो इंग्लिश के उसके कितने क्वेश्चन सही हैं, लगभग जो है क्वेश्चन उनके सही हैं, 12 क्वेश्चन इंग्लिश में गलत थे, वही इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा क्वेश्चन गलत थे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अच्छा स्कोर था। तो मेन फोकस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को होना चाहिए, ये हमारा कहने का मतलब होता है। कोई भी एग्ज़ाम हुआ उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को हम स्टार्टिंग से ही कहते हुए हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमको बता रहे थे 20-20 हज़ार रुपये दे के नर्सिंग की तैयारी किए हुए हैं, 20-20 हज़ार रुपये दे के नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग सोच सकते हैं, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है नर्सिंग, अभी हम इंट्रेंस दे दें, अभी नर्सिंग कोई भी लड़का जो थोड़ा सा भी ठीक ठाक तैयारी किया होगा नीट वगैरह का, आराम से 150 नंबर आ जाएं, कोई ज़्यादा वैसा नहीं है। पेपर भी आप देखे होंगे नर्सिंग का पेपर कैसे सीपी इसका पेपर हो रहा, सीएनईटी का कैसे पेपर अटल बिहारी करवा रही है, सेम लेवल हर साल का है। तो इसके ऊपर हम एक चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे और फिर आपको थोड़ा सा गाइड भी करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट गुमराह हैं, कहीं पे भी कुछ भी ले लेते हैं, 98,000 फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो कि पैसे इधर उधर इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, उसका कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा है। और जो भी आपको डाउट्स वगैरह कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और काउंसलिंग की जो ये मेरिट लिस्ट है, अभी ये तो मेरिट लिस्ट जारी की है नहीं, यहाँ पर देखेंगे पुरानी मेरिट लिस्ट है, ये मेरिट लिस्ट जो है सीट मैट्रिक्स पुरानी है, तो सीट मैट्रिक्स अभी रात तक अपडेट हो जाए, क्योंकि अटल बिहारी का मामला रात में ही चलता है, अटल बिहारी का अपडेट जो है आपको रात में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सेम एजेंसी एग्ज़ाम करवाती है सीपी नेट का, तो सीपी नेट का भी मामला रात में ही होता है, सीपी नेट का भी जो यूपीएमएस के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है उसका भी रात में ही सब कुछ आता है, तो इसका भी रात में ही आएगा। अभी आप देखेंगे 9-10 बजे जो है ये अपडेट करेंगे सीट मैट्रिक्स वगैरह का, तो ये चीज़ें हट जाएंगी, ये पुरानी सीट मैट्रिक्स है, नई सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, कितनी रिमेनिंग सीट्स हैं, क्योंकि कल काउंसलिंग स्टार्ट है, तो आज ही इनको जो है सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।